जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के फेज 6 में, जहाँ पर 2016 में फूड स्ट्रीट का ऐलान किया गया था। हमारा कैमरामैन देखा सके, ये वो फूड स्ट्रीट है जिसको बनाया गया। तकरीबन 26 यहाँ पर स्टॉल बनाए गए थे और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 करोड़ रुपए पे ये ठेका दिया था कि इसको बनाया जाएगा और ये पेशावर का सबसे बड़ा जो फूड स्ट्रीट होगा। लेकिन 2017 में इसको शुरू होना था, लेकिन 7 बार इसकी एक्शन हुई, लेकिन ये इसको कोई नहीं, किसी ने भी नहीं लिया। और सूरत हाल ये है कि अब इसको सस्ता बाज़ार बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं वो गिर रही है, जो शीट है वो ख़राब है, जबकि दूसरी तरफ जो जिनके दरवाजे हैं इतने ख़राब बनाए गए हैं कि ये अब टूट फूट का शिकार हो गए। अभी सस्ता बाज़ार इसको बनाया जा रहा है, इस हवाले से अभी इसको किराए पर दिया जाएगा। लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है हैदराबाद में जिसके लिए 5 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। 5 करोड़ रुपये भी लग गए, लेकिन इसको जो मनसूबा था इसको शुरू नहीं किया जा सका। अभी जो फूड स्ट्रीट है उसके बजाय अब सस्ता बाज़ार किया जा रहा है और अभी इसके लिए रिनोवेशन का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है। जी